अस्सलाम वालेकुम, आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं चिकन स्पैगेटी की रेसिपी और ये बहुत मज़े की है और ये बहुत क्विक बनते हैं। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। और ये हमने चिकन लिया है, चिकन के हमने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी स्पेशल रेसिपी है, इसको मैरिनेशन करना है हमने पहले चिकन को। अब हम इसमें चिकन ऐड कर दिया है अपने बाउल में, मैरिनेशन बाउल में। स्पाइस में हमने लिया है चिकन पाउडर है, काली मिर्च है और नमक है, ये सब हमने 1 टीस्पून लिया है। स्टेप है, हमने एक पॉट में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और ये गर्म हो जाए तो हम इसमें पेस्ट शामिल करेंगे। ये ग्रीन चिली की पेस्ट है, सब्ज़ हरी मिर्चों की पेस्ट ली है और साथ हम लहसुन की पेस्ट लेंगे, अदरक की पेस्ट लेंगे। मैंने ये तीनों जन सी है 1 टीस्पून पेस्ट लिए हैं और मैंने ये फ्रेश नहीं ली, मैंने फ्रीज़ की भी मेरे पास होती हैं पेस्ट, मैंने वो इस्तेमाल की है। आप चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा इन्हेंस करना है तो आप ग्रीन चिली काट के भी शामिल कर सकते हैं, उनका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हम ये तीनों पेस्ट हमने शामिल कर दी है और ये बहुत मज़े की खुशबू इनकी आएगी और ये अच्छे तरीके से आपने इनको थोड़ा सा पकाना है ताकि इनकी खुशबू अच्छी आ जाए, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अभी हमारी जो पेस्ट है वो तकरीबन ओके हो चुकी है। ये हमने चिकन क्यूब लिए हैं, कनौर चिकन क्यूब 2, इनको हाथों से मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है, अभी मैंने इनको शामिल कर दिया है। इनका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत मज़े की खुशबू आती है, तो आप इनको लाजमी ऐड कीजिएगा। और ये पैन में जाते ही देखिए मेल्ट हो गया है और एक ये सॉस ही तैयार हो गई है। अब इसमें मैंने बॉईल किए हुए नूडल्स डाल दिए हैं। बॉईल करने का सिंपल तरीका है, आप सॉल्ट डालें, ऑयल डालें और अपनी स्पैगेटी को बॉईल कर लें। इसमें सारा फ्लेवर इसके अंदर है, इसके सॉस में है। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारी सॉस और चिकन इक्वली पूरी स्पैगेटी में स्प्रेड हो जाए। और अगर आपको फ्लेवर कम लगे तो आप इसमें ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़ा सा अपना सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये ऑप्शनल है। और ये बहुत क्विक और बहुत मज़े की रेसिपी तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।